हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस ऑफ द फोटोग्राफी। और आज का सब्जेक्ट है कन्फ्यूजन। क्या? हाँ हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कन्फ्यूजन 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 कन्फ्यूजन। और ये कन्फ्यूजन है कैसी? मार्केट में बहुत सारे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं DSLRs को लेकर के। तो जो बिगिनर्स फोटोग्राफर है, जो नए फोटोग्राफी में इंटर हो रहे हैं, उनके सामने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सा कैमरा ख़रीदें। कईयों के पास बजट है, कईयों के पास बजट नहीं है, लेकिन कम बजट में भी वो एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी फोटोग्राफी। तो क्या उनके लिए सही है, क्या नहीं सही है, कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कौन सा नहीं रहना चाहिए, इस तरीके की कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के पास है। अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ते हैं लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती। तो मैं जो मेरे बिगनर्स फोटोग्राफर हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में कैमराज जो हैं, जो DSLRs हैं, वो अब तीन कैटेगरीज में बढ़ चुके हैं। जैसे पहले तो क्रॉप सेंसर और आता था, फुल फ्रेम आते थे, क्रॉप सेंसर एंड फुल फ्रेम। लेकिन कुछ समय से मार्केट में एक नया रिवोल्यूशन आया है मिररलेस का। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो क्रॉप सेंसर, FX एंड मिररलेस, यानी क्रॉप सेंसर, फुल फ्रेम और मिररलेस, ये तीन है। चौथा जो वर्जन आता है वो मीडियम फॉर्मेट आता है, वो फुल्ली प्रोफेशनल्स फोटोग्राफर्स के लिए होता है, जो बहुत बड़े ब्रांड्स के लिए शूट करते हैं या बहुत यूनिक काम होता है। जैसे कि कुछ ब्रांड्स के नाम मैं बता दूं, जैसे हैसलब्लड हो गया, फेज वन हो गया, फ्यूजी के कुछ कैमराज हैं, लाइका, ममिया, इस तरीके के कैमराज जो हैं ये बहुत ही महंगे हैं और इन्हें यूज़ करने के लिए भी बहुत सारा ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन अगर मार्केट में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप सेंसर, फुल फ्रेम और मिररलेस मार्केट में अवेलेबल आपको दिखते हैं। अब नए नए कैमरा जैसे सोनी में बहुत सारे मिररलेस आ गए, निकॉन ने भी मिररलेस दे दिया, कैनन ने भी मिररलेस अपने निकाले कैमरे, फ्यूजी फिल्म में भी मिररलेस आते ही हैं। फ्यूजी फिल्म का क्या है, उन्होंने क्रॉप सेंसर निकाला, डायरेक्टली उन्होंने जंप किया मीडियम फॉर्मेट में, उन्होंने बीच का जो FX का मॉडल है उन्होंने कोई निकाले नहीं है। तो बेसिकली जो नए फोटोग्राफर्स हैं फ्यूजी की तरफ कम जाते हैं, और इंडिया में अगर देखा जाए तो फ्यूजी फिल्म की मार्केट थोड़ी सी कम है भी। तो मैं बात आज तीन ब्रांड्स के बारे में करूँगा, उनमें कई से ब्रांड्स हैं, जैसे कि किसी के पास में बजट के हिसाब से आपको रेट करता चलूँगा। और यहाँ पर मैं कोई इमेजेस नहीं दिखाऊँगा, कुछ भी नहीं दिखाऊँगा, डायरेक्टली मैन टू मैन एक तरीके से बात हो रही है हमारी। तो जैसे कि बहुत लोगों के, आप मिनिमम जब DSLR लेने की सोचते हैं तो आप 50 से 60 हज़ार कम से कम अपना बजट लेके चलते हैं। तो 50 से 60 हज़ार आपका बजट है तो, और कुछ का बजट 1 लाख के ऊपर होता है, कुछ का बजट 1 लाख के नीचे होता है। तो 50-60 के आसपास अगर जाते हैं तो निकॉन, सोनी या कैनन, मैं तीनों ब्रांड्स की बात करें तो आपके पास ऑप्शन 7000 या निकॉन D5300, 5200 या 5500 जो भी कैमराज आते थे, ये कैमराज की लाइनअप हो जाती है। 35,000 से स्टार्ट हो जाते हैं कैमराज और 70-280 तक जाते हैं। जैसे कि ये रेंज अगर लेते हैं निकॉन की अगर बात करें तो निकॉन में 5200-5300 से लेकर के आपका 7200-7500 जो कैमराज आए हैं, या D90-D40 कैमराज आए हैं, ये 80-85 अराउंड जो है आपका बजट यहाँ तक जाता है। लेकिन इन कैमराज के साथ, ये क्रॉप सेंसर कैमराज की बात हो रही है, तो क्रॉप सेंसर में अगर आ रहे हैं निकॉन में तो आप 5200-5300 मॉडल से लेके 7000 की जो सीरीज है वहाँ तक आप परचेज कर सकते हैं। जस्ट ऐसे ही निकॉन कैनन में है, कैनन में आप परचेज कर सकते हैं जैसे D90-D80। ये कैमराज, D80 कैमरा एक ऐसा है, 90,000 के अराउंड है कैमरा है, ये फोटोग्राफी एंड वीडियो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई नया फोटोग्राफर है या वीडियो भी करना चाहता है, सिनेमैटिक टोन्स के साथ वीडियो बनाना चाहता है या कैंडिड वीडियो शूट करना चाहता है, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप कैनन में ही जाना चाहते हैं तो D90 कैमरा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोनी में बात करें तो सोनी में दो कैमराज ऐसे थे जो क्रॉप सेंसर में, दो जिन्होंने मार्केट में एक तरीके से ब्लॉगर्स के लिए या जो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं या फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए एक रिवोल्यूशन था, जिसका बात मैं कर रहा हूँ सोनी में, सोनी 6500 और 6400, 6500, 6400, ये दो अलग अलग ब्रांड्स हैं, दो अलग अलग मॉडल नंबर्स हैं। आप सोनी में इस तरीके के कैमराज, तो जो निकॉन था कि आप 7000 की सीरीज तक आप खरीद सकते हैं, ये आपके 1 लाख के अंदर ही अंदर आते हैं। अब अगर हम फुल फ्रेम सेंसर्स की बात करें, साथ में मिररलेस की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर दोनों के
प्राइस को अगर हम तोलें तो लगभग लगभग सिमिलरिटीज आपको दिखेंगी क्रॉप सेंसर सॉरी फुल फ्रेम और मिररलेस में। बहुत से कैमराज जैसे जेड सेवन या जेड सिक्स जो निकॉन ने के लॉन्च हुए तो ये कैमराज जो है 150 प्लस हैं। ऐसे ही अगर निकॉन में अगर बात करें तो 750 आता है जो 140 के अराउंड आता है, 810 है, 810 आता है। तो इस तरीके से कैमराज जो है ये 2 लाख के अंदर ही थे, 1,50,000 से 2 लाख के अंदर। इसमें आपको मिररलेस और एफएक्स की बॉडीज आप खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ कैमराज जो है निकॉन की ही अभी बात चल रही तो निकॉन में ही अगर बात करें तो जैसे कि निकॉन D850 या D5, तो निकॉन D850 2 प्लस का कैमरा है और D5 जो है वो करीबन 4 लाख के आसपास की बॉडी आती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमराज हैं निकॉन। हाँ, बहुत लोग हैं जो जिनके पास बजट है वो D850 तक जा सकते हैं। अदरवाइज मैं एक कैमरा निकॉन मॉडल में अगर एफएक्स आप खरीदना चाह रहे हैं तो एक कैमरा मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप अगर लेना चाहते हैं तो आँख बंद करके वो कैमरा खरीद सकते हैं, जिसका मॉडल नंबर है D750, निकॉन D750। आप आँख बंद करके खरीद सकते हैं। आप फोटोग्राफी में इंटर कर रहे हो या आप रोलेबल की भी हो, आप वेडिंग शूटर हो या पोर्ट्रेट शूटर हो, तो आप इजीली उसे परचेज कर सकते हैं। अगर कैनन में बात करें तो कैनन में 6D है, 6D मार्क 2 है, मार्क 3 है, अब मार्क 4 आया। निकॉन D850 एंड कैनन मार्क 4 ये समकक्ष एक कैटेगरी के कैमराज हैं निकॉन एंड कैनन में। बसरते बस यही है कि ब्रांड्स अलग हैं, फीचर्स सिमिलर हैं, प्राइस भी लगभग सिमिलर ही है। तो आप 6D खरीद सकते हैं, 6D मार्क 2 खरीद सकते हैं। ये कैमरा 750 के इक्विवेलेंट का कैमरा है, प्राइसिंग भी लगभग सेम ही है। अब अगर मिररलेस की बात करें तो सोनी में और निकॉन में या कैनन में अलग अलग मॉडल्स आए हैं। जैसे निकॉन में Z6, Z7 और अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है वो M50 करके एक निकॉन का कैमरा आया हुआ जो कि मिररलेस है। ऐसे ही सोनी में बहुत सारे कैमराज हैं। अगर आप सोनी में जाएंगे तो A7S2 की एक सीरीज़ आती है, एक S2 की सीरीज़ आती है, एक R की सीरीज़ आती है, एक M की सीरीज़ आती है। उसमें कई सारे मॉडल्स हैं, M3 आता है, R3 आता है, अभी R4 भी आ चुका है। तो ये कैमराज हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मिररलेस लेने का फ़ायदा ये है कि अगर आप प्रो शूटर हैं या अभी नया नया आप शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बेसिक कैमराज के बारे में थोड़ा सी नॉलेज इकट्ठा कर लें। अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं मिररलेस की ओर। मिररलेस के एडवांटेज भी बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट आपको कैमरा मिलता है, बहुत छोटा सा पॉकेट कैमरा जैसा देखने में लगता है लेकिन फीचर्स कमाल के हैं। और छोटा है तो ग्रिपिंग अच्छी है, हल्का कैमरा है तो यूज़ करने में बहुत इजी रहता है। एक डिसएडवांटेज भी ये है क्योंकि मिररलेस के जो लेंसेज हैं वो अभी प्रॉपर तरीके से मार्केट में नहीं आया है। जैसे कुछ लेंसेज ही मिररलेस के आए हुए हैं, जैसे सोनी में ई माउंट आता है तो इस तरीके से माउंट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप थर्ड पार्टी लेंस भी खरीद सकते हैं, जैसे सिग्मा के लेंसेज आते हैं, आप सोनी में यूज़ करना चाहते हैं तो MC11 अडाप्टर करके आप खरीदें और उससे अटैच करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निकॉन और कैनन के एडवांटेज ये हैं कि इनके माउंट जो हैं लगभग ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, ये माउंट के कैमराज लेंसेज बनाती हैं, थर्ड पार्टी जो लेंसेज हैं वो बनाती हैं। तो कन्फ्यूज़न की ज़रूरत यहाँ पर कोई नहीं है। सबसे पहले आप कैमरा ख़रीदने से पहले, ये मेरा लास्ट में बात कहना होगा, अगर आप कोई कैमरा परचेज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना बजट निर्धारित करें कि आपको 50,000 से लेके आपको 80,000 या 1 लाख के बीच में ख़रीदना है। आपका बजट है 1 लाख के अंदर ही अंदर लेना है या 1.5 लाख के अंदर अंदर लेना है या 2 लाख के अंदर अंदर आपको कैमरा परचेज करना है। जब आप अपना प्राइस एक बार को कंफर्म कर लेंगे कि हाँ मुझे ये प्राइस में या ये मेरा बजट है, इस बजट में मुझे कैमरा ख़रीदना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस सामने कैमराज आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप 1 लाख के बजट के अंदर आते हैं तो आपको पता है कि निकॉन में है तो 7000 की सीरीज में जा सकते हैं या 80D या 90D या D750 करके कैनन में भी आता है, 750D करके कैमरा आता है कैनन में। तो वहाँ एक जैसे ही आप बढ़ते हैं 6D और कैनन में और 6D के ऊपर जैसे ही बढ़ना शुरू करते हैं वो एफएक्स की बॉडीज स्टार्ट हो जाती हैं, वो आपकी 1,40,000 प्लस ही जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप कैमरे को वेरिएशन चेंज कर लें, आप अपना बजट का वेरिएशन बना लें कि हाँ हमें इस बजट में कैमरा ख़रीदना है, आपके लिए ख़रीदना आसान हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर कहीं किसी प्राइस से लेके या किसी
पर्टिकुलर मॉडल नंबर को लेकर के आपको अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन पर आपको पूरी से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप पर्टिकुलर कैमरे की बात करते हैं कि ये कैमरा मॉडल मैं इस तरीके का शूट करता हूँ, ये कैमरा मॉडल मेरे लिए कैसा रहेगा और इस कैमरे के साथ मैं कौन से लेंस खरीदूँ, तो मैं उन पर भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो इस तरीके से आप मेरी वीडियोस जो आप इस वक्त देख रहे हैं, तो आप पहले तो अपना कैटेगराइज कर लें प्राइस को, बजट को, उसके हिसाब से आप ब्रांड पहले जब बजट आप निर्धारित करें उसके बाद अपना ब्रांड निर्धारित करें कि किस आप ब्रांड में जाना चाहते हैं। मेरा कहना यह है आप किसी भी ब्रांड में जाएं, सारे ब्रांड के कैमरे अच्छे होते हैं, बशर्ते आपको कैमरा इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे आएगा, अगर प्रो लेवल के भी हैं तो उनको नॉलेज होती है पहले से ही किस तरीके से कैमरा इस्तेमाल करते हैं। तो पर्टिकुलर आप ये दिमाग पे बात रखें, सबसे पहले तो आप बजट निर्धारित करें, दूसरा आप ब्रांड निर्धारित करें, और जब दो चीज़ें आपकी निर्धारित हो जाएंगी तब आपको कैमरा ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। बाकी रह जाती है अदर लेंसेज की और एसेसरीज़ की बात, वो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का आपका वर्क फ्लो है या वर्क कैसा है। आप पोर्ट्रेट शूटर हैं या लैंडस्केप शूटर हैं या आप स्ट्रीट करते हैं या आप फूड फोटोग्राफी करते हैं, तो अलग अलग जॉनर की फोटोग्राफी के हिसाब से अलग अलग लेंसेज हैं मार्केट में, तो आप बाद में लेंसेज का सोचें, पहले आप अपने कैमरा बॉडी और किट लेंस के साथ में ही कैमरा खरीदें। तो ये मेरे हिसाब से एक बेसिक नॉलेज है किसी भी फोटोग्राफर के लिए जो नया कैमरा खरीदना चाहते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें जो है आप पहले तो निर्धारित करें, उसके बाद आप जम करें खरीदने के लिए। अगर आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उन पर आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको, और कुछ नया शेयर करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बने रहें प्रिंस वस्ती फोटोग्राफी के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।